Hey foodies, welcome to NB Creations, welcome back to my kitchen. आज का रेसिपी है स्वीट कॉर्न चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी स्टार्टर और चाट होता है. काफ़ी हेल्दी भी होता है ये, सो प्लीज़ इसको ट्राई करें. चार्टर के लिए इसको रेसिपीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न लिया है. यहाँ पे मैंने एक मीडियम अनियन को चॉप कर लिया फाइनली. 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट, 3-4 फाइनली चॉप ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स, काला नमक ले लेंगे, कश्मीरी चिली पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर और क्यूमिन पाउडर. सबसे पहले एक बोल में हम लोग पानी बॉयल कर लेंगे. पानी एकदम बॉयल हो जाए तो उसके बाद हम लोग इस कॉर्न को इसमें ऐड करेंगे. पाँच से सात मिनट हम लोग एकदम लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे. जैसे ही कॉर्न जो है साड़े ऊपर आने लगी, डेट मीन्स ये काफ़ी लाइट हो गया. देखिए कैसे ये फूले फूले से दिख रहे हैं, इसका मतलब कॉर्न जो है वो पक चुका है. इसे ज़्यादा नहीं पकाना हमने, इसे ओवर कुक नहीं करना. अब हम लोग इसको एक छन्नी की हेल्प से ड्रेन कर लेंगे. ड्रेन करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे के प्रोसेस में डालेंगे. ये देखिए रूम टेम्परेचर पर आ गया है. अब हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और एज पर टेस्ट. रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग 1/2 टीस्पून. अब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे पार्शियली इसमें. पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे. अगर आप इसको मिक्स कर रहे हैं, अगर आपको ये बहुत ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जस्ट अ डैश ऑफ वाटर, जस्ट कि ये जो मसाले हैं वो कॉर्न में अच्छे से मिक्स हो जाएं. बाकी ये कॉर्नफ्लावर हम लोग ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मैं यहाँ पे अपने हैंड्स का यूज़ किया है ताकि अच्छे से कोटेड हो जाए सारे मसाले. इधर इसको फ्राई करने के लिए ऑयल चढ़ा देंगे कढ़ाई पर. ऑयल गर्म है इसलिए टेस्ट करने के लिए एक कॉर्न डालेंगे इसके अंदर. ये देखिए ये पक चुका है, तेल गर्म हो चुका है. अब हम लोग इसमें सारे कॉर्न्स को ऐड कर देंगे. हमने कॉर्न को एकदम लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर से क्रिस्पी हो सके. ओके, हम लोग कॉर्न के बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा नोन है कि कॉर्न है तो वो फूटेगा ही, तो इसके सेफ्टी के लिए आप फ्राई भी करोगे तो चांसेस है फूटने के. तो आप इसको हाफ कवर करके इसको फ्राई करें ताकि जो भी कॉर्न ऊपर आएगा वो वापस कढ़ाई में चला जाएगा. तो देखिए इसको ऐसे कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे एकदम फ्राई होने देंगे टिल ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए. आफ्टर 5-7 मिनट्स हम लोग कवर हटा देंगे और तो एक मिनट या आधे मिनट के लिए हम लोग गैस को हाई फ्लेम, मीडियम हाई पे इसे फ्राई करेंगे. ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम लोग इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं ताकि जो एक्सेस ऑयल है इसका वो रिमूव हो जाए और जब आप खाओ इसको तो ऑयल नहीं आए बिल्कुल भी. ये देखिए रेडी है. अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मिक्सचर को ऐड कर लेंगे. अनियन ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, चाट मसाला ऐड कर देंगे, नमक एज पर टेस्ट एंड क्यूमिन पाउडर. आप चाहो तो यहाँ पे अनियन को स्किप कर सकते हो कम्प्लीटली, अगर आपको अनियन नहीं पसंद है तो. अगर आप इसको लाइट रखना चाहते हो तो आप अनियन स्किप कर सकते हो इस पॉइंट पे. सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब हम लोग इसमें एक हाफ नींबू स्क्वीज़ कर देंगे. अगर आपको नींबू का टेस्ट या फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने चाट मसाला ऑलरेडी डाला हुआ है. अगर आपको बहुत चटपटा खाना है तो आप इस लेमन को ज़रूर यूज़ करें. कॉर्न को ऐड करके मिक्स कर देंगे और इसे इमीडिएटली सर्व कर देंगे, नहीं तो ये थोड़ी देर अगर आप इसको रख के सर्व करते हो तो थोड़ा सा ये नमी आ जाएगी इसमें, वो क्रिस्पीपन नहीं रहेगा. नाउ लास्टली कोरिएंडर लीव्स को ऐड कर देंगे और उसको सर्व करेंगे. ये रेसिपी बहुत ही ईजी में है, बहुत ही ईजी रेसिपीज़ में लेके आती हूँ आपके लिए. सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गार्निश विद कोरिएंडर लीव्स. थैंक यू.